कोई भी मंत्र सिद्ध कब होता है और सिद्ध करने के लिए उस मंत्र को 1,00,000 बार जपना चाहिए या फिर 108 बार जपकर ही वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और सबसे ज़रूरी कि एक बार मंत्र जब सिद्ध हो जाए तो सिद्ध होने के बाद क्या होता है, कैसे कैसे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में अवश्य ही उजागर होते होंगे जब कभी आप मंत्रों को याद करने की उनका जप करने का प्रयास करते होंगे। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आकाश केवी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इन सभी प्रश्नों के जवाब आसान भाषा में देने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य ही अच्छी लगेगी। दर्शकों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख दें और ये लिख दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अपना नाम भी लिख दें। तो चलिए अब इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैदिक, दूसरा तांत्रिक और तीसरा शापर मंत्र। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप किस प्रकार के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। शापर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध हो जाते हैं, तांत्रिक मंत्रों में थोड़ा सा समय लगता है और वैदिक मंत्रों को सिद्ध करने में थोड़ी अधिक देर लगती है। लेकिन वैदिक मंत्रों का फायदा भी होता है क्योंकि यदि वैदिक मंत्र एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो वैदिक मंत्रों का असर कभी समाप्त नहीं होता है और जीवन भर वो हमें लाभ देते रहते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि मंत्र जप के क्या क्या प्रकार हैं। तो मुख्यतः मंत्र जप के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वाचिक जप, दूसरा मानस जप और तीसरा उपाशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वरों में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ मन ही मन में जप करना होता है और उपाशु जप में जप करने वाले की जीभ या फिर होठ हिलते हुए दिखाई देते हैं मगर आवाज सुनाई नहीं देती, यानी उनके होठ और जीभ तो हिलते हैं परंतु ध्वनि नहीं आती है। बिल्कुल धीमी गति से जप करना ही उपाशु जप होता है। अब आपको मंत्र जप के नियम बताऊंगा। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपको मंत्र का सही और सटीक उच्चारण करना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके उच्चारण में नहीं आनी चाहिए। आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, ज्यों का त्यों, यानी जिस प्रकार मंत्र लिखा गया है आपको ज्यों का त्यों ही उच्चारण करना है। और अब दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम ये है कि जिस मंत्र का जाप अथवा आप अनुष्ठान करना चाहते हैं उसका अधर्य पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आपको अपने मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि हो जाती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है, यानी इस प्रकार किया गया जप आपको बहुत ही जल्द लाभ पहुँचाता है। जप का दशांश हवन करवाना चाहिए और ब्राह्मणों एवं गरीबों को भोजन कराना चाहिए। और अब मैं आपको वीडियो में आगे मंत्र का तंत्र बताऊंगा और ये बताऊंगा कि जब एक बार मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हमारे साथ क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको मंत्र का तंत्र बताता हूँ। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मंत्र के नियमों का पालन करना तो अनिवार्य होता ही है, साथ ही ये समझना भी अति आवश्यक होता है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या होता है, यानी उसके पीछे का साइंस क्या होता है। मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है। एक बार फिर से, मन को एक तंत्र में लाना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कई दर्शकों को इसका अर्थ समझ नहीं आया होगा, तो आपको इसका अर्थ एक उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो उदाहरण कुछ इस प्रकार है। यदि आपके मन में 1,000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है, यानी आपका मन स्थिर हो जाता है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और एक सही दिशा में गति करने लगता है, यानी आपके दिमाग में एक नया आयाम खुल जाता है और आपका दिमाग एक अलग दिशा में गति के साथ बढ़ने लगता है। और जब ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। और इस प्रकार का अनुभव मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में काफ़ी विलंब होगा, क्योंकि मन का तंत्र यही है कि मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपका मन स्थिर होना चाहिए। कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे पड़त निशान, यानी
यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए और मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ समय के अभ्यास के बाद अपने मन को स्थिर करने में अवश्य ही कामयाब हो जाएंगे। और यदि आपको अपने मंत्र को स्थिर करने के लिए कुछ विधि और कुछ तरीकों के बारे में जानना है तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता दें, और यदि संभव हो सका तो मैं इस पर भी वीडियो अवश्य ही बना दूंगा। इसी तरह लगातार जप का अभ्यास करते रहने से आपके चित्त में यानी आपके मन में वह मंत्र इस कदर जम जाता है यानी इस कदर समा जाता है और फिर नींद में भी वह अपने आप ही चलता रहता है एवं अंततः एक दिन वह मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है, यानी आपका मन मंत्र के अधीन होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मंत्र सिद्ध होने के बाद क्या होता है और उसका हमें क्या लाभ देखने को मिलता है। तो दर्शकों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें और साथ ही हमारे चैनल दी आकाश केवी को सब्सक्राइब करके घंटी वाली आइकन पर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप उस वीडियो को देख सकें। और साथ ही यदि आप शिव तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टकम या फिर और कोई स्तोत्र बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते तो वो बोलने के लिए भी मैंने उस पर वीडियो बनाई है। उसमें मैंने आपको बहुत आसान भाषा में धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करके सिखाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वो वीडियो देखने के बाद मंत्र का उच्चारण सीख लेंगे। बहरहाल अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि मंत्र सिद्ध होने पर होता क्या है आपके साथ। तो ये जानकारी कुछ इस प्रकार है कि मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जा सकता है, मंत्र से किसी भी भूत या पिशाच को भी साधा जा सकता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जा सकता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने से ही तो उस मंत्र से संबंधित देवी देवता या फिर और भी कोई अन्य आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है तो उन्हें जपने से वो स्वतः ही बाधाओं को दूर कर देते हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या फिर बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल किया जा सकता है। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या फिर मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं, यानी अपने मन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और अच्छे विचारों में मग्न रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित स्थान और निश्चित समय पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मंत्र जिन के उस चिराग की तरह है जिसे लगड़ने पर उस मंत्र से जुड़े देवी देवता या फिर और कोई सक्रिय हो जाते हैं और आपकी सहायता हेतु वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मंत्र एक प्रकार से मोबाइल के नंबरों की तरह काम करता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही इस जानकारी के माध्यम से आपके जीवन में आपको लाभकारी अनुभवों को महसूस करने की शक्ति मिलेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जो कोई भी सिद्धि या कुछ भी प्राप्त करते हैं तो उस सिद्धि को, उस शक्ति को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए और हमेशा ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपने साथ आप दूसरों का भी किस प्रकार कल्याण कर सकें। क्योंकि जैसा आपको पता है कि पुराने समय से लेकर आज तक एक ही चीज़ होती है और वो चीज़ ये होती है, अच्छाई की ही जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। भले ही आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, लेकिन यदि आप बुरे हैं तो उसका अंत इतना दुखद होगा कि उसके बारे में सोचकर भी आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप किसी भी मंत्र का, किसी भी तंत्र का और किसी भी प्रकार की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल अच्छे कार्यों में ही उन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।
दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। और साथ ही आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश केवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल दी आकाश केवी देख रहे थे। भगवान सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय।